सर। आइए मैडम, 30 रुपीज ओनली ओनली कश्मीर। हमको कहाँ जाना है अब? हमको जाना है वो गार्डन देखने। गार्डन, ट्यूलिप गार्डन से एंटर होते ही आपको यहाँ पे पहले ट्यूलिप से यहाँ पे टूरिस्ट दिखेंगे। पाँच सौ रूपए मोए मोए मोए। मौसम देखो, पहाड़ देखो और फ्लावर देखो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पुरु भाई के घर से। पुरु भाई, क्या हाल है? क्या हाल है, ठीक हो? आप ठीक हो? अच्छे से। नमस्कार। आज हमको कहाँ जाना है? आज हमें जाना है ट्यूलिप गार्डन, एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, जो कि श्रीनगर समाज टीम है। क्यों भाजी, वहीं पे जाना है? बीच है, तो फुल डिटेल देते हैं आपको, साथ में दिखाते भी आपको वहां पे ट्यूलिप। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला आज के व्लॉग में। रात भर ना बारिश हो रही थी, तो मौसम खराब है। क्या लगता है, श्रीनगर में मौसम का पता नहीं चलता है, कब धूप कब बारिश, मतलब अच्छा हीरो जैसे लग रहे हैं वहाँ। गल बन गई शर्मा रहे भाजी। तो आ जाते हैं वहां पे। ठीक है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑन करिए, जब भी आप वीडियो डाले दुबई भाई की वीडियो आपसे ऐसे बोले टिन टिन करके पहुंचा दे। चले फिर जाते गाइस, पता है क्या सीन है यहाँ पे ना, कल तक बहुत ही अच्छा मौसम था, कल से यहाँ पे बारिश स्टार्ट होने लगी, उस वजह से ना बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई, क्योंकि पहाड़ों पे ना फ्रेश स्नोफॉल हुई है। ठीक है, ये देखो यहाँ से पहाड़ नजर आ रहे हैं, फ्रेश स्नोफॉल। तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन क्या करें, वीडियो किसी भी हालत में बनाना ही है। तो गाइस फाइनली पहुंचे हम अभी डल लेक के पास, जहाँ से कैसा मौसम हो रखा है भाई साहब, बहुत ही मस्त। यहाँ से 3D मौसम हो चुका है, 3D मौसम हो रखा है। देखो पहाड़ों पे बर्फ, लेकिन अभी बाइक पे मजा नहीं है, गाड़ी होनी चाहिए तब जाके मजा है। ठंड से हो रही है हालत खराब, की पहाड़ पे बर्फ है, श्रीनगर में ठंड है, मौसम पहाड़ी हो रही है। डल लेक से आपको यहाँ पे बोर्ड एक मिलेगा, ठीक है, जहाँ से लिखा होगा चश्मा शाही परी महल ट्यूलिप गार्डन, ये देखो राइट साइड से। ठीक है, यहाँ से आए, मतलब यहाँ से जाना है हमको ट्यूलिप गार्डन के नाल। चलो जी, तो मित्रों ये देखो, ये रहा यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन, सीधे जाते हैं चश्मा शाही और परी महल के लिए। ठीक है, तो ट्यूलिप गार्डन यहाँ से जाना है हमको, ये देखो बोटेनिकल गार्डन यहाँ पे। ओके, तो गाइस फाइनली हमको ना बॉटनिकल गार्डन के पास ही अपनी बाइक पार करनी पड़ी। पाजी ये क्या है यहाँ पे यार, ट्यूलिप गार्डन में इतना ज्यादा भीड़? हो भाई साहब, आज देखो मौसम कितना खराब है, उसके बाद भी यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, जब मौसम ठीक होगा यहाँ पर आज पता क्या होने वाला है। हाँ, यहाँ ट्यूलिप गार्डन देखने आए सुनना पाजी, अगर यहाँ पे मौसम ठीक होता ना, हमको बाइक यहाँ पे पार्क नहीं करनी पड़ती, घर पे भी गार्डन के अंदर। आज ज्यादा भीड़ है यार, तो पता है गाड़ी हो बाइक हो बॉटनिकल गार्डन के सामने यहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि सब भीड़ ना अभी ट्यूलिप गार्डन के लिए है। चलो पाजी, यहाँ से कौन सा मार्केट है ये? इसे बोलते हैं खाना पीना आर्ट एंड क्राफ्ट पंचू वंचू सब कुछ मिलेगा। मार्केट भीड़ भाई, कहाँ से लोग आ रखे यहाँ पे। ओ भाई साहब, यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर भीड़ अभी ट्यूलिप गार्डन के लिए ही है, क्योंकि आपको पता ही है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन होता है। यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क की, अब यहाँ से पैदल जाना है हमको, 650 मीटर पैदल चलना है। ओके, 650 मीटर हमको पैदल चलना है, पता नहीं ट्यूलिप होने चाहिए, क्योंकि रात और बारिश हो रही थी। और यहाँ से देखो बॉटनिकल गार्डन, जो कि आपको बाहर से भी दिखेगा, अगर आप उसके अंदर जाओगे, मतलब बहुत ही बड़ा बॉटनिकल गार्डन है यहाँ पे, देखो लुक एट दिस। वहां पे भी जाएंगे, लेकिन मौसम ठीक होने दो, फिलहाल हम जाएंगे ट्यूलिप गार्डन। ओ भाई साहब, व्हाट इज दिस भीड़, इतनी भीड़ मैंने आज तक ना देखी होगी, आपने आज तक ना देखी होगी, ये सब भीड़ ना अभी ट्यूलिप गार्डन के लिए ही है। ठीक है, अभी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे ट्यूलिप देखने के लिए, आपको पता ही है एशिया लार्ज, पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ये, तो खुद सोच सकते हो आप यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है भाई। ट्यूलिप गार्डन के सामने आपको यहाँ पे एक मार्केट दिखेगा, ठीक है, ये देखो वो मार्केट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पे क्या ही बताऊं मैं, यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन कम सेल, यहाँ पे सेल लगी हुई है, सेल बिल्कुल ट्यूलिप गार्डन के सामने, जहाँ पे आपको पश्मीना मिलेगा, आरी वर्क मिलेगा, केसर मिलेगा, ठीक है, और मिलेगा कहवा, कश्मीरी कहवा, ये देखो यहाँ से। फिलहाल हम जाते हैं ट्यूलिप गार्डन, मित्रों फाइनली पहुंचे अभी ट्यूलिप गार्डन के नाल, ये देखो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितनी क्या प्राइस है टिकट्स की, 75 रुपीज पर पर्सन एडल्ट्स के लिए, और चिल्ड्रंस के लिए 30 रुपीज, और फॉरेनर है हम, हमारे लिए 200 रुपीज। ठीक है, देखो हमने टिकट ले लिया 150 रुपया दो पर्सन का, 75 रुपीज फॉर वन पर्सन। या मिल जाना, या
तो गाइस ट्यूलिप गार्डन से एंटर होते ही आपको यहाँ पे पहले ट्यूलिप से यहाँ पे टूरिस्ट दिखेंगे, ठीक है, टूरिस्ट दिखेंगे आपको। सही है ना, बहुत ज्यादा भीड़ है यार। हाँ वो फ्लावर निकले, ये कहाँ से निकले हैं ये निकले फ्लावर? और ये देखता कितना मस्त लग रहा है, मौसम, पहाड़ और फ्लावर, बहुत जबरदस्त, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। हमको कहाँ जा रहा है अब? हमको जा रहा है वो गार्डन, गार्डन देखने, गार्डन गार्डन। यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ के आपके मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरे जब मेरे को नजर पड़े ना फ्लावर्स के ऊपर, मेरी आंखों में बत्तियां जल रही है, लाल पीली नीली अलग अलग फ्लावर्स है ना। तो यहाँ पे खाली अब ट्यूलिप्स थे, यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रखी है। देखो गमले लगा दिए गए, यहाँ से ये लगा दिए गए, लाइट्स लगा दी गई है, सब कुछ लगा दिया गया भाई यहाँ पे। भाई ट्यूलिप गार्डन मत हो गए, मत गार्डन किसी जगह, लेकिन ऐसा सीन, मौसम देखो, पहाड़ देखो और फ्लावर देखो। अभी स्टार्टिंग है ना, अभी क्या यार, बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड है। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? ओ भाई साहब, बता गया आपको, नजदीक से ट्यूलिप देखते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, गार्डन में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये है ना फूल यार, अभी उगे नहीं है ना भाई, बारिश थी ना यहाँ पे इस वजह से, वरना इतने सारे फ्लावर्स होते हैं ना, किसी ने सोची ना होगी। ओ भाई साहब, यहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स है, ठीक है, यहाँ पे खाली ट्यूलिप्स थी, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है फ्लावर्स की, ये देख सकते हो आप, बहुत ही मस्त। सामने देखो ये क्या बोलते हैं इसको, फाउंटेन। तो मित्रों यहाँ पे ना तगड़ी वाली बारिश स्टार्ट होने लगी है, ठीक है, बहुत तगड़ी वाली। और यहाँ से देखो कैसा सीन हो रखा है, यहाँ पे कितने सारे ट्यूलिप्स है, फाउंटेन है, ट्यूलिप्स भी है ना, ट्यूलिप्स भी है और मिक्स है, ट्यूलिप बोलते हैं इसको, अच्छा शायद इसको बोलते हैं फ्लावर। आपको पता है ट्यूलिप, आप यहाँ पे विंटर्स में आके यहाँ पे आप नहा सकते हो, ठीक है, फाउंटेन में जम जाओगे। अरे नहीं, यहाँ पे बहुत मजा आएगा अभी नहाने में भी, ठीक है, ट्यूलिप्स को, ट्यूलिप्स के साथ। यहाँ पे ना खुशबू आ रही है वो फूलों की, अलग ही सीन हो रखा है यहाँ पे। आप क्या बोल, दुबर भाई आप क्या बोल रहे हो, विंटर में आप क्या नहा सकते, नहा सकते, क्यों भाई जम जाओगे यहाँ पे, साइड है, साइड है, अगर आप जम जाओगे ना तो आप गर्मी में जाके निकलोगे। हाँ वो भी है, सीजन खत्म होके मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ से बहुत ज्यादा मस्त। अगर धूप होती ना तो अलग ही सीन होता, अभी भी बहुत ही अच्छा मौसम है, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई, पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं। तो गाइस पता है क्या सीन है, अभी ना कश्मीर में बारिश ये सब हुई थी ना, इस वजह से यहाँ पे अच्छे से फ्लावर नहीं खिले हुए, ठीक है। अभी आओगे ना आप 4-5 हफ्ते के बाद, यहाँ पे अच्छे से आपको फ्लावर मिलेगी, ट्यूलिप मिलेगी आपको अच्छे से, ओके। तो हाँ, जिसको भी आना होगा ना वो आए, खाली 2 महीने के लिए यहाँ पे होता है। किस महीने में होता है यहाँ पे? यहाँ से समझो 19 मार्च या वो आप किस्मत के ऊपर है, 18 मार्च और मार्च और अप्रैल लास्ट है। हाँ तो ऐसा सुना, ऐसा पता क्या होता है, जैसे 19 से स्टार्ट होता है ना, 19 अप्रैल में खत्म हो जाता है, वही आपको जल्दी आना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसको ट्यूलिप देखना होगा, बहुत सारे होगा खाली यहाँ पे ट्यूलिप देखने के लिए अभी कश्मीर आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे भी फाउंटेन फाउंटेन फाउंटेन, ये फाउंटेन आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको मिलेगा, हर तरह से फाउंटेन ही फाउंटेन। यहाँ पे आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है, पोज देख सकते हो, फोटो खींच सकते हो, बहुत मस्त, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो गाइस बाकी की डिटेल्स ना आपको हम क्या बोलते हैं गूगल करके बताएंगे, ठीक है। ये आपको पता ही है ईश्वर लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, और यहाँ पे आपको 70 लाख ट्यूलिप्स मिलेंगे। कितने? 70 लाख ट्यूलिप्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। टूरिस्ट है ना, ट्यूलिप 70 लाख, किसी ने सोची ना होगी। और वेराइटी पता है कितने ट्यूलिप्स की, कितनी वेराइटीज है? 68 वेराइटीज। कितनी? 68। हाँ, और क्या बोलते हैं जो गार्डन ना 55 हेक्टर में फैला हुआ है, 55 हेक्टर में फैला हुआ है, ओके। अरे चल ही नहीं रहा यार, गूगल बैठ गया यहाँ पे। और क्या बोलते हैं इसको, जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का, वहां से लेकर यहाँ तक 22 किलोमीटर है, ओके, और लाल चौक से 8 किलोमीटर है। और क्या है, और कुछ डिटेल मिलेगी हमको? और सुबह 8 बजे ओपन होता है और शाम को 7 बजे बंद होता है। बाकी टिकट प्राइस तो आपको बता ही दिया, आपको 75 रुपीज एडल्ट के लिए और 30 रुपीज चिल्ड्रंस के लिए, जो कि हम कौन से फॉरेनर्स, हमारे लिए 200 रुपए, हमारे लिए 200 रुपए। और क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे ना बहुत सारे पता ही है, यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं ना। सही है। और ये है ना यहाँ पे होटल ताज, अगर हमको टाइम मिला वहां से आपको व्यू दिखाएंगे, माउंटेन से आपको दिखाएंगे ट्यूलिप गार्डन, अगर बारिश नहीं हुई तो। ये देखो यहाँ से होटल ताज, राइट साइड से आपको बॉटनिकल गार्डन मिलेगा, और यहाँ पे आपको टूरिस्ट बहुत सारे मिलेंगे, और पाजी भी यहाँ पे मिलेंगे। ओ भाई साहब, फाउंटेन स्टार्ट हो गया, सच बोला मैंने, ये देखो, ओ गल बन गई, ठंड बढ़ गई पाजी, आज गल के साथ साथ क्या बन गई, मोई मोई, ठंड बढ़ गई, ठंड बढ़ गई, मोई मोई, कीचड़ कीचड़ हो रखी है, हर तरफ से कीचड़ कीचड़ हो रखी है।
तो यहाँ पे ना लाखों में टूरिस्ट जाते हैं, लाखों में। खाली यहाँ पे टूरिस्ट एक्साइटेड नहीं होते यहाँ पे आने के लिए, हम भी एक्साइटेड थे ठीक है, लेकिन जैसे टाइम नहीं मिल रहा था, अब फाइनली यहाँ पे टाइम मिला। क्या ये है तमिल लैंग्वेज, अगर कोई खो जाएगा ना पाजी खोएगा, मैं माइक में बोल सकता हूँ पाजी खो गया, मेरा पाजी खो गया, गेट के पास पहुंचे वो ही सीन है, बेल मार लिया वो भी है। सही है। और यहाँ पे देखो टूलिप्स, टूलिप्स हो रखी है यहाँ पे, हर तरह से टूलिप्स हो रखी है। यहाँ से व्यू चेक करो टूलिप्स का, टूलिप्स टूलिप्स, वहाँ से टूलिप्स, यहाँ से टूलिप्स, हर तरह से टूलिप्स, टूलिप्स टूलिप्स टूलिप्स। ब्रो अभी यहाँ पे अच्छे से नहीं निकले हो ना टूलिप्स, निकले हुए लेकिन उतने अच्छे से नहीं, किसी किसी जगह निकले हुए, मैं आपको सामने दिखाता हूँ वहाँ पे अच्छे से निकले हुए। मुझे लगता है टूलिप्स का एंडिंग है ना, जब मतलब एंडिंग होगा यहाँ पे बंद होने, उससे हम यहाँ पे जो जितने भी टूलिप्स है सब बुढ़े हो जाएंगे, हम यहाँ पे और आएंगे। हाँ और आएंगे, क्या बोलते हैं? हाँ एक बार स्टार्टिंग में दिखाया, थोड़ा व्यू कम कम निकला, जब पूरा निकल जाएगा आपको और वीडियो बनाएंगे, और दिखाएंगे, और दिखाएंगे। सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है, वीडियो कम से कम 3-4 लाख व्यू होना चाहिए। नहीं यहाँ पे कितने ये है टूलिप, 70 लाख चाहिए। अगर आप फिर 70 लाख के अब आएंगे ना अगले साल यहाँ पे 18 लाख टूलिप्स उगाएंगे हम। 18 लाख नहीं, उसको दुगना दुगना हम खुद उगाएंगे उस टाइम पे। मोए 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 क्या हो गया पाजी, आज फैशन करके आता लेकिन बारिश की वजह से मोए मोए हो गया पाजी का। तो मित्रों यहाँ पे पता है क्या सीन है, देखो यहाँ पे अच्छे से टूलिप्स निकले हुए, देखो रेड रेड, येलो येलो, पिंक पिंक, सब सब। ये देखो देखो मित्रों यहाँ पे अच्छे से टूलिप्स निकले हुए, ये देख सकते हो आप, ऐसी बहुत जगहों पे निकले हुए, बहुत जगहों पे नहीं भी निकले हुए ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जब एंडिंग होगा ना यहाँ पे टूलिप्स गार्डन का, उस टाइम हम और आएंगे यहाँ पे, उस टाइम अच्छे से खिले होंगे। पाजी यार कितनी मेहनत कर रहे हैं हम यार, सच बता बहुत कर रहे हैं ना। आप लोगों को ये टूलिप गार्डन दिखाने के लिए ना मैंने अपने 80,000 का जूता खराब कर रखा है, 80,000 के जूते खराब कर रखे हमने। पर इसका नाम देखना क्या है, तेरे को कौन सा जीन्स लगा के पैंट, तेरा कार्गो का है, कार्गो ये कार्गो है, यहाँ पे मिलेगा फ्लावर लार्गो, इसका नाम है लार्गो, इसका नाम है बिग स्माइल, बड़ी स्माइल, उसका नाम है छोटा स्माइल, जिसका और कुछ नाम है ना, इसका नाम है लार्गो और परु के जींस का नाम है कार्गो। यहाँ पे क्या है, अद्रिम 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 अल हबीबी, कम टू कश्मीर, कम टू कश्मीर। फ्लावर्स के नाम भी मैंने आपको बताया भाई साहब, यहाँ से होटल ताज, ताजमहल नहीं, और यहाँ पे देखो बादल, पहाड़ों पे बादल, और यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना ये यहाँ से परी महल, ओके ये परी महल है। तो गाइस यहाँ पे आप थोड़ी बहुत बारिश थम गई, लेकिन अभी यहाँ पे उतने सारे फ्लावर्स नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, थम गई टूरिस्ट थोड़े कम गए कम गए। हाँ उनको लगा था यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, वो निकल गए यहाँ से ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनके जाने के बाद ही बारिश थम गई। तो सीन कुछ ऐसा है, हम आएंगे यहाँ पे 10-15 दिन के बाद, क्यों पाजी? 10-15 दिन के बाद यहाँ पे आएंगे, उस समय ना यहाँ पे अच्छे से टूलिप्स खिले होंगे तो अच्छे से दिखाएंगे आपको। फिलहाल हम कहाँ जाते हैं, फिलहाल हम जाते हैं दिल गार्डन, गार्डन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया भाई, हो गया। अब जाने का हमको घर, घर क्यों जाने का, पहले हमको देखो 80,000 के जूते खराब हो गए हमारे, मेरे 1.5 लाख के भाई, 1.5 लाख भाई, इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई, 80,000 का रिकॉर्ड था, इसे 1.5 लाख का बोल दिया। तो अभी देखो यहाँ जाते जाते यहाँ से व्यू टूलिप गार्डन का इतना मस्त हो रखा है, बहुत ही मस्त। यहाँ से आप परी महल जा सकते हो, यहाँ से बॉटनिकल गार्डन देखो, वहाँ पे परी महल, पूरा पहाड़ ना वो देखो परी महल, आपको पता ही है पहाड़ के ऊपर ही है, वहाँ का व्लॉग भी हम जल्दी लाएंगे ठीक है। बाकी देखो बादल है, बहुत मस्त सीन हो रखा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बारिश थोड़ी सी थम गई है, इसलिए हम घर वापस जाते हैं ठीक है, बाइक पे है ना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए फिर जाते हैं। आप लोग बाहर की वीडियो को सपोर्ट ही नहीं करते हो, अब कश्मीर के वीडियोस भी दिखाएंगे आपको, लेकिन आपको क्या है ना शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना है, उनको भी बोलना है कि आगे शेयर करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नीड है आप लोगों की सपोर्ट की। अपने भाई को फुल सपोर्ट कीजिए अपनी फैमिली की तरह। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कश्मीरी कहवा ठीक है, कश्मीरी क्या वार मिल रहा है, वो भी समावार में, सही है ना। स्वीट कॉर्न सर मैडम आया आया आया, ये इसमें घर से लाते बटर मिला के, उसकी कास जबान कहते हैं उसे, वो भी मिलाते हैं इसमें, सब्जी बहुत सी वैरायटीज मिलाते हैं इसमें घर में, अच्छा मजा आने वाला है जी। अगर खाने पीने की बात मैंने क्या बोली, अगर किसको भूख लगी ना टूलिप गार्डन से आने के टाइम, आप टूलिप गार्डन से सीधा बाहर आते हो, अगर आपको भूख लग जाएगी यहाँ पर अपने भाई मिलेंगे, भाई क्या दे रहे हो आप, सब्जी स्वीट कॉर्न। बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं ना यहाँ पे इस साल जी, बहुत सारे
ابھی آج بارش ہو رہی تھی اس کے بعد بھی اتنی زیادہ بھیڑ تھی یہاں پہ. ابھی شروعات ہوئی ہے, ابھی بہت آئیں گے نا. ابھی والا امید تو ہے, کیا کریں, کب تک ابھی یہ اوپن ہوگا؟ یہ اس کی میکسیمم ٹولپ کی میکسیمم ایج ہوتی ہے 45 ڈیز. اچھا, منیمم ہوتی ہے اس کی 32 ڈیز تک. ابھی کب تک چلے گا یہ؟ یہ 23rd کو ہوا ہے اوپن. اچھا, قریباً 23rd کو بند ہو جائے گا, اپریل کو ہو جائے گا. اپریل کو ہو جائے گا, اپریل اینڈنگ اپریل میں. ہاں, اس سے پہلے پہلے آپ کو یہاں پہ آنا ہوگا. دیکھو پرو نے پڑا سویٹ کارن, کھاؤ کھاؤ پرو کھاؤ, ایش مارو, میں نہیں کھاؤں گا ٹھیک ہے, کیونکہ میں روزہ رکھا نا میں نے اس لیے. او پا جی کھا رہے کون, پا جی گل بن گئی, کیسا ہے, مست ہے نا, بھوک مٹ گئی ساری. چلا ایک بار آئیے میڈم, 30 روپیز کشمیر میں نا, کشمیر میں, کشمیر میں 500 روپے. آج کے ویڈیو نا ہم یہیں پینڈ کرتے ہیں, امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا. ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا, اور کیا بولے اس کو, کون کھاتے رہنا, ٹھیک ہے, کون کھاتے رہنا, اور اپنا کھاتے کھاتے ویڈیو دیکھتے رہنا, کھاتے کھاتے ویڈیو دیکھتے رہنا, اپنی فرینڈز بناتے رہنا. ہاں, تھینک یو سو مچ, شیئر کرنا اپنی فرینڈ فیملی کے ساتھ. نیکسٹ بلاگ میں ملتے ہیں.